नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल्स। चैनल नंबर 9 पर हाजिर हैं हम आज अपना हिंदी का लाइव इंटरैक्टिव सेशन लेकर। कक्षा है 9 और आज इसमें पढ़ने जा रहे हैं पाठ 1, दो बैलों की कथा। अब कथा है तो जाहिर सी बात है कि जो कहते हैं कि कहानी या किस्से जो होते हैं वो हमें बहुत ज्यादा मन को भाते हैं, तो कथा है ये दो बैलों की, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ सीखने के लिए जरूर होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो नैतिक होगा। तो इसको जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, हमारा ये लाइव इंटरेक्टिव सेशन है। आप चाहें तो हमें फोन कर सकते हैं 8800440559 पर। जल्दी से शुरू करते हैं, समय पहले ही थोड़ा सा तकनीकी तैयारियों में निकल चुका है। सचिंद्र आर्य जी हैं हमारे साथ, आप टीजीटी हिंदी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सचिंद्र जी। धन्यवाद। दो बैलों की कथा आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो कैसे पढ़ाना शुरू करेंगे, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें कुछ सीख जरूर मिलने वाली है बच्चों को, है ना जी। तो चलिए शुरू करें, शुरू करते हैं। चलिए, आज का जो विषय है हम कहानी से शुरू कर रहे हैं, दो बैलों की कथा। ये प्रेमचंद द्वारा रचित कथा है, कहानी है, जिसमें मित्रता के ऊपर वो हीरा और मोती दो बैलों की बात करते हैं और उनकी मित्रता की प्रगाढ़ता से ये कथा आगे बढ़ती है। ठीक है, और इससे पहले हम आगे बढ़े तो मैं इसकी कहानी की पृष्ठभूमि थोड़ी बताना चाहूंगा बच्चों को, विद्यार्थियों को और जो दर्शक हैं उनको, कि ये लगभग मैंने जब इसके बारे में देखा तो ये सन 1930-31 के दरमियान लिखी गई, और उस दरमियान महात्मा गांधी दांडी यात्रा कर चुके थे। साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा जाकर के उन्होंने नमक बना लिया था और अंग्रेजी कानून तोड़ा था, और उस पृष्ठभूमि में कुछ क्रांतिकारी आंदोलन भी चल रहे थे और लगातार एक विमर्श था कि आपको कौन सा रास्ता आजादी की तरफ ले जाएगा। और उसमें ये देखा गया कि प्रेमचंद का निजी रुझान महात्मा गांधी की विचारधारा, अहिंसात्मक विचारधारा की तरफ ज्यादा था, तो और इसके अंदर जो ये दो बैल हैं हीरा और मोती, इसके अंदर भी लगभग ये संतुलन बनाने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को इस पक्ष की तरफ भी इस कहानी के प्रारंभ से ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहानी का नाम दो बैलों की कथा है, लेकिन कथा शुरू होती है गधे से, एक गधा जो बहुत मेहनती है, ठीक है, और उस तरीके से वो मेहनत करता है लेकिन रूखा सूखा खाना मिलता है, उसके बावजूद बहुत संतुष्ट रहता है उस चीज में भी, और विरोध नहीं करता है, उसको उसका मालिक पीटता भी है तब भी वो बिल्कुल निरीह प्राणी की तरह बना रहता है, संतुष्टि बहुत है उसके अंदर। अच्छा। तो यहाँ से वो शुरू करते हैं और अचानक वो मुड़ाते हैं अफ्रीका में भारतीयों की दुर्दशा पे, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत का साम्राज्य तो पूरी दुनिया पे था, और उस तरीके से भारतीयों को वो रिलेट करते हैं कि जिस तरीके से गधा संतुष्ट है, मेहनत कर रहा है लेकिन विद्रोह नहीं कर रहा है, वो चाहते थे कि भारतीय भी एक तरीके से संगठित हों और उस विदेशी हुकूमत के खिलाफ एकजुट होकर के स्वाधीनता आंदोलन को मजबूत करें। तो इस पृष्ठभूमि को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आगे अचानक फिर कहानी शुरू हो जाती है, झूरी किसान है, बैल तो खेती में मदद करते हैं, पूरा दिन हल जोतते हैं झूरी के साथ, मेहनत करते हैं, आते हैं शाम को तो झूरी उनकी मालिश करता है, पैर दबाता है, उनको अच्छा भोजन देता है, खली खेल, वो बाकी सारे जो सूखा चारे के अलावा वो बहुत सारी ऐसी चीजें देता है जो उनके लिए पौष्टिक हैं, और उनका पूरा जो ध्यान है वो पूरे दिन की मेहनत से हट करके उसके प्रेम की तरफ चला जाता है कि ये देखो हमारा जो मालिक झूरी है वो किस तरीके से हमें हमारी देखभाल कर रहा है और हमें भी इसके लिए काम करना चाहिए। लेकिन कथा में अचानक एक दूसरा मोड़ आता है जब वो अपने साले को ये दोनों बैल दे देता है, क्योंकि उसे काम होता है खेती के काम में तो बैल काम आते हैं, तो झूरी को जब झूरी अपने साले को कुछ दिनों के लिए दे रहा है बैलों को, लेकिन उन्हें हीरा और मोती दोनों को लगता है कि झूरी ने लगता है हमें बेच दिया, त्याग दिया है, और वो बड़े असंतुष्ट हो जाते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, नई जगह जाएंगे तो हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा वो, क्योंकि एक के यहाँ तो बिल्कुल उन्हें अपना घर लगता था, वो रास्ता पहचाना हुआ था उनका, वो खेत पहचाने हुए थे उनके, स्पर्श जो झूरी का था, जो भोजन वो देता था, जो लाड प्यार वो करता था, भले वो बैल थे लेकिन बिल्कुल प्रेम बिल्कुल अपने बच्चों की तरह करता था वो। जब वो उसके साले के यहाँ गए, एक तो उन्होंने बहुत नानुकुर किया पूरे रास्ते में कि नहीं जाएंगे हम, तो नहीं जाएंगे हम, अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें बहुत अपनत्व हो गया था उस जगह से, तो बिल्कुल वो सोच रहे थे कि कहाँ जा रहे हैं हम, ये हमें भेज दिया और इन्होंने हमें हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो क्योंकि रास्ता बहुत उनके लिए अपरिचित था, वो उससे बहुत असंतुष्ट भी थे कि ये व्यवहार क्यों हुआ उनके साथ, जबकि वो तो खूब मेहनत कर रहे थे। गया के यहाँ गए, गया ने एक तो पूरे रास्ते हीरा और मोती ने उसे उन्हें इतना परेशान किया, उसके नए मालिक को होने लगा कि ये तो हमें अब जाएगा और हमारे साथ ना प्रेम का व्यवहार रखेगा, ना इतना इस तरीके से हमारी देखभाल कर पाएगा, पूरे रास्ते उन्होंने बहुत तंग किया, कभी दाएं जाते कभी बाएं जाते, और इस पे बहुत खींच गया और उसने खूब पिटाई करी। अब पहुंच गया
नाद भी उसने दोनों को लगा दिया। फिर क्योंकि वो इसकी प्रतिक्रिया ये हुई कि गया भी बहुत ज़्यादा वो था असंतुष्ट था इनके व्यवहार से कि मेरे जीजा जी के यहाँ तो बहुत अच्छे तरीके से रहते थे और जब मैं इन्हें लेके आया हूँ यहाँ पर तो ये मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, मैं तो इन्हें रूखा सूखा चारा ही दूंगा। तो यहाँ पर अब बात आती है कि किस तरीके से कहानी आगे बढ़ेगी। एक तो वह असंतुष्ट हैं, रात में दोनों ने तय किया कि क्यों ना हम वापस चले जाएं, ये जो इसने हमारे रस्सी हमें बांधी है जिससे इसने बांधा है ये इतनी मजबूत नहीं लग रही है और हम इस खूंटी को उखाड़ सकते हैं, क्योंकि बलशाली तो दोनों थे ही। बिल्कुल, जो उनका पहला मालिक था जहाँ पे वो थे उसने इतना अच्छा भोजन वो देता था कि इनमें मेहनत के बावजूद इनमें बल बहुत ज़्यादा था। तो इन्होंने इरादा कर लिया कि हम तो वापस जाएंगे और रात में तय किया उन्होंने, दोनों ने खूंटी को थोड़ा हिलाया, लगा कि हाँ कमज़ोर है इसे उखाड़ ले जाएंगे और ये दोनों उखाड़ ले जाते हैं उसे। और इसके बाद इनको रास्ता याद रहता है, मतलब पशु होने के बावजूद भी जो प्यार था गया झूरी का उसकी वजह से वो रास्ते को बहुत याद रखा, स्मरण रखा उन्होंने और वापस आ जाते हैं और रात भर चल करके वो वापस अपने पहले मालिक के दरवाजे पे खड़े हैं। गांव वाले बिल्कुल रोमांचित हैं कि ये कैसे हो गया कि बिना किसी इंसान के किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन और स्पष्ट सहयोग के बिना ये कैसे वापस आ गए और बिल्कुल आकर के अपने मालिक के दरवाजे पे खड़े हैं। गांव वाले बहुत ज़्यादा इस चीज़ इस घटना को मतलब अविस्मरणीय घटना की तरह मानते हैं कि इनको कभी याद नहीं आता कि पहले ऐसी कोई घटना घटी हो जिसके अंदर इस तरीके से जानवर और वो भी बैल वो वापस आ करके अपने मालिक के यहाँ खड़े हुए। तो अब बाल मंडली है गांव में, बड़ी उत्साहित रहती है, बच्चे बच्चे तो हमेशा उत्साह में रहते ही हैं। तो उन्होंने तय किया कि हम इन्हें इनाम देंगे और इनाम क्या देंगे, उन्हें अच्छा भोजन देंगे, उन्हें खली देंगे, खील देंगे और चारा ला के देंगे और जो खुद उन्होंने अपने जानवरों के लिए था तो उन्होंने उन दोनों को पुरस्कृत किया कि आप आ गए और कितना प्रेम है, मतलब एक व्यक्ति का एक पशु से किस तरीके से प्रेम है। मतलब आज तो हम देखते हैं संस्थाएं बन गई हैं नई नई कि वो संरक्षण करना चाहती हैं, लेकिन हमारा ग्रामीण परिवेश तो बिल्कुल पहले से ऐसा रहा है कि एक तादात्म्य का संबंध है पशुओं से, बिल्कुल परिवार का हिस्सा होते हैं, बिल्कुल परिवार का हिस्सा होते हैं और इतना वो भी मेहनत करते हैं कि जब वो हमारी इतनी सेवा कर रहा था हम उसकी मेहनत उसके लिए दें उसे। तो इस तरीके से ये चीजें चल रही हैं। लेकिन गया जो इन दोनों को ले गया था, खेती का काम तो उसका हुआ नहीं था, वो वहां से वापस आता है, अपने जीजा को बोलता है देखो कितने ढीठ हैं आपके बैल, आपके यहाँ तो काम करते हैं और मेरे यहाँ जाकर के एक रात भी नहीं हुई कि वापस आ गए। जबकि ये दोनों मन में सोच रहे हैं कि ये तो दोबारा आ गया, अभी हमें दोबारा पकड़ के ले जाएगा और इस सिलसिले में दोबारा दोनों समझते हैं कि अब तो दोबारा फंस गए। मतलब हीरा और मोती, मतलब प्रेमचंद इस तरीके से उस कथा में हीरा और मोती को रच रहे हैं कि ऐसा लगता है कि उनमें इंसानी संवेदनाएं, वो मतलब आपस में बात भी कर रहे हैं, वो प्रेमचंद संकेत करते हैं कि वो मूक भाषा में बात कर रहे हैं और लगातार समझते हैं, मतलब वो कहते हैं कि उनमें कैसा प्रेम था, वो सींग 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 से सींग लड़ाने लगते थे, एक दूसरे की त्वचा चाटते थे, बात करते थे और जैसे एक नाद में मुंह डालता था और बाहर निकालता था खत्म करते ही, वैसे ही दूसरा भी अगर हीरा ने मुंह निकाल लिया नाद से तो मोती भी निकाल लेता था, इतना प्रेम था मतलब। लेकिन आगे हम देखते हैं कि हम जब, क्योंकि हम तो अध्यापक हैं तो हम समझते हैं कि एक तरीके के स्वभाव वाले बच्चे ही आपस में मित्र होते हैं, लेकिन ये कथा हमें बताती है कि मित्रता के लिए जरूरी नहीं है कि आपका स्वभाव एक जैसा हो। इसमें जब आगे कथा बढ़ेगी और हम देखेंगे एक का स्वभाव ज्यादा सहिष्णु है, वो ज्यादा सहनशील है और दूसरा ज्यादा गुस्सैल है, उसको मतलब स्थितियां अगर उसके नियंत्रण में नहीं है तो वो बहुत ज्यादा उस चीज का विरोध करता है। तो ये सामंजस्य जानबूझ करके प्रेमचंद लेके आते हैं और संकेत कहीं ना कहीं एक बारीक संकेत वो करना चाह रहे हैं कि आप एक संतुलन के साथ ही चलेंगे तभी आप एक अच्छा व्यक्ति या फिर एक मतलब मैत्री संबंध बना पाएंगे। और इसके अंदर घटना में, क्योंकि पूरा इतना समय हमारे पास है नहीं तो मैं इतने विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतनी कथा संकेत करना चाह रहा हूं विद्यार्थियों को कि वो इस पे विशेष ध्यान रखें कि जब हीरा और मोती दोबारा गया के घर से भागते हैं और उसमें लड़की मदद करती है, जो उनके गया के बड़े भाई की लड़की मदद करती है, उसमें वो रोटी खिलाती है, उसके प्रेम से ही बड़े वो मोहित हो जाते हैं कि लड़की जिसकी माँ नहीं है वो हमसे कितना प्रेम कर रही है, क्योंकि वो प्रेम उससे खुद घर में नहीं मिला। लेकिन जब वो वहां से भाग जाते हैं और वो चिल्लाती है कि फूफा देखो आपके फूफा वाले बैल भाग रहे हैं,
क्योंकि खोलना उसने है, जिम्मेदारी उस पर आ जाएगी। तो वो एक युक्ति का इस्तेमाल करती है और वो खुद चिल्ला देती है कि फूफा फूफा वाले बैल भाग रहे हैं। अचानक घर में भगदड़ मच जाती है, रात के भोजन के बाद बिल्कुल सब आराम की मुद्रा में थे, लेकिन वो भागते हैं और देखते हैं कि बैल उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुके हैं, निकल चुके हैं। लेकिन इस बार प्रेमचंद एक दूसरा मोड़ लेके आते हैं, घुमाव दे देते हैं कि इस बार, क्योंकि आपाधापी बहुत ज्यादा थी और होता अक्सर होता है हम लोगों के साथ भी, आपाधापी में हमारा दिमाग बिल्कुल संतुलित नहीं रह पाता। तो वो जो रास्ता पिछली बार उन्हें याद था, इस बार रास्ता भूल जाते हैं और यहीं पे दोनों बेचारे परेशान कैसे वापस पहुंचे। हम तो एक रात का सफर था, हम पहुंच चुके थे अगले दिन, लेकिन इस बार तो देखो भगदड़ में समझ ही नहीं आ रहा। और यहाँ पर उनकी मुलाकात एक सांड से हो जाती है, हीरा और मोती दोनों, हीरा और मोती दोनों की, ठीक है। सांड उनसे बलशाली, अगर अकेला अकेला दोनों लड़ते, हीरा अलग लड़ता सांड से और मोती अलग लड़ता सांड से, तो हार जाते। लेकिन दोनों ने तय किया कि हम मिल करके लड़ेंगे और तभी हमारी जो संगठित शक्ति होगी उस वो हम इसको हरा ले जाएंगे। तो ये जो संगठन शक्ति की तरफ प्रेमचंद बार बार संकेत कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि संगठित होइए, तो ये कहीं ना कहीं संकेत है, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत सोजे वतन जो प्रेमचंद का कहानी संग्रह था उसे जब्त कर चुकी थी, और धनपत राय से जब, क्योंकि वो उनका मूल नाम धनपत राय था, लेकिन जब सोजे वतन जब ब्रिटिश हुकूमत जब्त कर लेती है तो वो प्रेमचंद के नाम से लिखने लगते हैं। और इस कथा में भी लगातार लगातार एक आंतरिक एक संदेश उनका यही है कि आप संगठित होंगे तभी आप एक बड़ी शक्ति से लड़ पाएंगे, उससे लड़ने का आपको जो जज्बा होगा, क्योंकि एक दूसरे का जब साथ मिलेगा तभी आप हार भी रहे होंगे तो आपको एक वो सहारा मिलेगा कि हाँ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ दूसरा भी है। तो हीरा और मोती ने बिल्कुल इतने दृढ़ता से उसका मुकाबला किया कि अगर वो अकेला लड़ता एक एक से दोनों में से किसी से तो दोनों को एक करके हरा देता, लेकिन दोनों थे इस वजह से वो मिलकर पछाड़ देते हैं उसे, बिल्कुल मतलब बहुत बहुत ज्यादा मतलब मल्ल युद्ध जैसा होता है, जैसे दो पहलवान कुश्ती कर रहे हैं बिल्कुल, और एक तो बिल्कुल मिट्टी की खाई थी लेकिन उसमें गिर जाता है फिर वहां से वापस आता है, और बिल्कुल बहुत रोचक जिक्र है उसका इसका कहानी के अंदर। तो अब यहाँ पर लड़ाई हो गई, भागे हुए थे, परेशान थे बेचारे, भूख लग गई, अब भूख लग गई दोनों को, हीरा मोती को, तो करें क्या, लड़ाई में उनका ध्यान था कि भाई अब तो जीतना ही जीतना है किसी भारत में, और जीत जाते हैं, पछाड़ देते हैं। अब हीरा की नजर या मोती की, दोनों में से किसी की नजर पड़ती है कि सामने मटर का खेत है, मटर के हरा हरा कच्चे मटर है, मजेदार होते हैं और वो तो बिल्कुल मीठे मीठे होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, और क्योंकि ऊर्जा भी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल सोच रहे थे कि आराम मिले, लेकिन उन्हें देखा भोजन है सामने खेत में, बिल्कुल बालियां लगी हुई हैं मटर की। अब वो मटर की बालियां लेकर सोचते चल हीरा क्या सोच रहा है, दोनों बिल्कुल तय करते हैं और उनको जब मटर दिख जाते हैं, मटर की बालियां दिख जाती हैं, और पहले वो देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा उन्हें, कि कोई पहरेदारी कर रहा हो, किसान किसान नहीं है या उसके कोई रिश्तेदार तो नहीं है खेत के आसपास, चौकीदार तो नहीं है, ठीक है। तो घुस जाते हैं, कहते चल देखा जाएगा, अभी भूख लग रही है हम चलते हैं और मटर खाएंगे, थोड़ी भूख मिटाएंगे। मटर खाते हैं, चर लेते हैं मटर, कोई उन्हें दिक्कत नहीं होती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पीछे से चौकीदार आता है, दोनों को पकड़ लेता है। और यहाँ पे कांजी हॉज जो एक शब्द है उससे अगर नए पीढ़ी के बच्चे परिचित नहीं होंगे, लेकिन कांजी हॉज एक ऐसा शब्द है जहाँ पर, या एक ऐसी जगह होती थी, जाला पिंजड़ा होता था जिसके अंदर आवारा पशुओं या उन मवेशियों को पकड़ करके लाया जाता था जो दूसरे के खेत में जबरदस्ती चले गए और वहां पे उस फसल को नाश्ट कर रहे हैं, जी हाँ, कैद करके रख लिया जाता था और उसकी जुर्माना, उसमें जुर्माना देना पड़ता था। अच्छा, जो छुड़ाने आएगा वो जुर्माना देगा, और अगर नहीं आएगा तो उन जानवरों की नीलामी कर दी जाएगी। अच्छा, तो कहीं कहीं आज भी ये व्यवस्था कायम है ग्रामीण परिवेश में आज भी। और ये दोनों बेचारे कांजी हाउस में फंस जाते हैं, ठीक है। दोनों बलिष्ठ थे, जिसने जिसका कांजी हाउस था वो बड़ा खुश था कि इनकी कीमत बड़ी मिलेगी, अच्छी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद, क्योंकि वो तो कथाकार हैं, उनके दिमाग में तो बहुत सारी चीजें चल रही थी, कांजी हाउस में कहते हैं कि बकरियां भी थी, बैल भैंसे भी थे, घोड़े भी थे, मेमने भी थे, बहुत सारे पशु थे, बहुत सारे पशु थे, चौपाए बहुत सारे थे, ठीक है। उन्होंने ये अनुमान लगाया कि बेचारे कितने दुर्बल है यहाँ पे, तो जो उनका मालिक है कांजी हाउस का, भले उसने कैद कर लिया लेकिन देखभाल बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, जो लगा वो खुद महसूस करते थे झूरी के यहाँ, वो लगा मतलब वो, क्योंकि एक तरीके से कैद खाना ही है वो, और नीलामी वो इंतजार करते हैं कुछ समय तक, लेकिन अगर जब नहीं आता मालिक वापस या कुछ ढूंढता हुआ नहीं आता अपने पशु को, उसकी नीलामी कर देते हैं। तो वो इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से मालिक आए और हम उससे जुर्माना लें, अगर जुर्माना वो नहीं देगा
तो हम उसे भेज देंगे। ठीक है, एक हफ्ते तक मतलब जो प्रवास है हीरा और मोती का, एक हफ्ते तक कि वो कैद में रहते हैं वहां पर, और लेकिन इसके पहले वो प्रण करते हैं कि हम ये जो हमारे साथी पशु हैं हम इनको आजाद करवा देंगे। अच्छा, बाकियों के, बाकियों को काजी हाउस के जो बाकी पशु हैं हम उनको किसी ना किसी तरीके से छुड़ाएंगे। तो हीरा अपने सींग से देखता है पिंजड़े की दीवार, पिंजरा है और दीवार है, तो दीवार देखता है मजबूत है, कितनी मजबूत है, सींग से मारता है, बलिष्ठ था, देखभाल बढ़िया होती थी उसकी, उसने मारा तो थोड़ी सी लगा कि हाँ थोड़ी हिल रही है लेकिन अभी थोड़ी और प्रयास करने पड़ेंगे। उसने दोबारा मारा, उसके मित्र ने देखा, उसने मारा। अब वहां पर ये देखिए आपकी पराधीन है वो पशु, वहां मवेशी वहां पराधीन है, कमजोर हो चुके हैं, खा नहीं रहे हैं, दुर्बल हो चुके हैं, और जब वो देखते हैं हीरा और मोती प्रयास कर रहे हैं उनके लिए, उसके बावजूद वो नहीं उठते। तो यहाँ पे वो संकेत प्रेमचंद लगातार भारतीय परिवेश में जो चल रहा है उससे बिल्कुल जोड़ कर, उससे बिल्कुल जोड़ के रख रहे हैं कि कोई आपके लिए कर रहा है, उन्हें लगता है कि कोई दूसरा करेगा आकर के, राइट, हम अपनी समस्याओं के समाधान सोचते हैं कि कोई दूसरा आके करेगा, लेकिन हम खुद नहीं करना, हम खुद करा प्रयास नहीं करना चाहते। हम देखते हैं हमारे सामने वो चीज घटित हो रही है लेकिन हम देखते हैं, देख, हम मूक दर्शक बने हुए हैं बिल्कुल, और हमें लगता है कि, और पराधीनता तो आपको और दुर्बल करती है बिल्कुल, मतलब आपके अंदर जो रचनात्मकता होती है या फिर आपके अंदर जो सोच होती है या फिर आप अपने लिए खुद नहीं सोच पाते। हीरा और मोती दोनों इस ख्याल से भर जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि इनको कहीं ना कहीं हम आजाद कराएंगे, तो दीवार टूट जाती है लगातार प्रयास में, सिंह के प्रयास से वो दीवार टूट जाती है। और उसमें भी प्रेमचंद ये करते हैं कि सारे जानवर धीरे धीरे चले जाते हैं क्योंकि जब उन्हें दिखता है कि दीवार टूट गई है और वो आजाद हो गए हैं, उन्हें बहुत देर में महसूस होता है कि वो आजाद हुए हैं। ठीक है, वो धीरे धीरे करके कांजी हाउस छोड़ते हैं लेकिन उसके बावजूद दो गधे वहां तब भी बैठे रहते हैं, वो उठना नहीं चाहते मतलब वो इतने ज्यादा संतोष में थे कि अब यहीं बैठे हैं तो यहीं बैठे रहेंगे। लेकिन सींग से कोंचते हैं दोनों, सींग लगाते हैं, बोलते हैं उठो चलो छूट गया तुम्हारा, तुम जाओ। लेकिन उनमें से एक जो हीरा था, मेरे ख्याल से मुझे अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैं उस हिस्से को पढ़ूंगा जी। तो एक बैल की जो रस्सी बहुत मजबूती से बंधी होती है, तो वो कहता है कि अब दूसरे अपने दूसरे साथी को कि तुम चले जाओ, मैं यहाँ बंधा हुआ हूँ, तुम जाओ। हीरा मोती इसमें दोनों में से एक कह रहा है कि तुम चले जाओ, लेकिन क्योंकि मित्रता है यहाँ पे, वो कहता है भले मुझे आजादी मिल गई है लेकिन क्योंकि तुम बंधे हुए हो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। रात बीत जाती है, हुआ पोह में कि जाएं कि ना जाएं, लेकिन मित्रता का आग्रह और प्रेम इतना प्रगाढ़ था उनका कि नहीं छोड़ते दोनों एक दूसरे का साथ, भले एक छूट, एक का रस्सी कमजोर थी वो तोड़ देता लेकिन वो बोलता है नहीं, तुम इतना जीवन हमने साथ बिताया, इतने हमने घूमे, उतार चढ़ाव देखे, संघर्ष किया हमने, और मैं आज तुम कह रहे हो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो मित्रता का जो असली अर्थ है, आज बच्चे समझते हैं, विद्यार्थी समझते हैं कि थोड़ी देर हम बैठ गए बात कर ली वो मित्रता है, लेकिन संकट में जो आपकी मदद करे और अपने प्राणों तक की परवाह ना करे, क्योंकि अब तो कांजी हाउस खाली हो गया है, अब कोई बचा ही नहीं है। जो उसका मालिक सोच रहा था कि मैं नीलाम करूंगा या मैं उसका हरजाना लूंगा, उसके लिए तो बड़ी हानि का विषय है। बिल्कुल, तो हीरा और मोती दोनों, सिर्फ दोनों, अगली सुबह होती है सिर्फ हीरा मोती मिलते हैं उन्हें, और हीरा मोती को देख करके वो बिल्कुल तिलमिला जाता है मालिक। वो कहता है कि इन्हीं दोनों की शरारत है कि सारे जानवर मेरे भाग गए और सारे नुकसान इन्होंने किया है। वो इन्हें दंड देता है, वो कहता है कि मैं इन्हें बिल्कुल रूखा सूखा भोजन तक नहीं दूंगा, जो मैं चारा दे रहा था इन्हें वो बिल्कुल नहीं दूंगा, दिन में सिर्फ एक बार पानी दूंगा और वो उस वही पिए और वही रहे। एक सप्ताह के अंदर जो बिल्कुल बलशाली थे, बिल्कुल हष्ट पुष्ट थे, दुर्बल हो गए, ठठरियां दिखने लगी, प्रेमचंद इस्तेमाल करते हैं हड्डियों का ढांचा ही बचा सिर्फ हीरा और मोती दोनों का, इतने दुर्बल हो गए, मतलब खड़े होने तक की उनमें क्षमता नहीं बची। लेकिन यहाँ पर तब भी वो विरोध लगातार, एक तरीके से हम देखें तो काजी हाउस एक तरीके से उस विरोध का प्रतीक है कि आप तो संकट में छोड़ नहीं रहे लेकिन आप दूसरे के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना प्रयास कर रहे हैं। और लगातार ये भावना हमें अपने विद्यार्थी में चाहिए, हमें अपने हमें खुद में चाहिए, व्यक्ति के रूप में हमें चाहिए बिल्कुल। तो भले हमारी हम अपनी जान की परवाह ना करें लेकिन अगर हमारे प्रयास से कुछ काम होता है तो हमें करना चाहिए और उसके लिए आगे आना चाहिए। तो अब वो तो बिल्कुल बौखलाया हुआ था, उसे लग रहा था कि इसकी इनकी अच्छी कीमत मिलेगी, लेकिन उसे लगा कि अब कीमत वीमत तो कुछ क्या मिलेगी, मैं इनको नीलाम कर देता हूँ। एक दिन हुआ, उसने बहुत सारे लोगों को मुनादी करके बुला लिया, नीलामी होनी है, हीरा मोती
अपना भविष्य अनिश्चित और अंधकार में देख करके बड़े परेशान हैं, अब क्या होगा। तो यहाँ पर जिक्र आता है कि वो जिक्र मैं पढ़ देता हूँ वो वाक्य। चलिए हमको जल्दी से ये बात जी 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 क्योंकि दो ही मिनट रह गए। जी 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 हमको समाप्त। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा, मतलब उनकी आंखें भीग गई और वो दोनों के सर झुक गए। और आगे देखिए क्या वर्णन है इसमें कि वो देख रहे हैं कि राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे खेत हरे हरे हार में चरता नजर आया। हार मतलब वो मैदान है खेत घास का, और वहां सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने थे, चपल थे, कोई उछल रहा था, कोई आनंद से बैठा पागुर कर रहा था, कितना सुखी जीवन था इनका। पर कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को चिंता नहीं कि उनके दोनों भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति को हम संकट में देखने के बावजूद हम प्रयास नहीं करते और हीरा मोती अपेक्षा करते हैं कि जो उनके साथी पशु हैं वो उनके लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो अपने सुख में उस तरीके से इतने लीन है कि वो कुछ उनके लिए प्रयास नहीं करता और वो बहुत दुखी होते हैं। लेकिन यहीं पर प्रेमचंद दोनों कहानी को दोबारा एक और नया मोड़ देते हैं, और क्योंकि उनके अंदर आजादी की भावना बहुत ज्यादा थी कि वो भाग जाएं, कैसे भागें, उसी का मौका देख रहे थे। लेकिन जैसे ही ये बधिक जो उनको ले जा रहा है खरीद करके उस रास्ते पे ले आता है जो उनका जाना पहचाना है, जो उन्हें याद था, अब पहचाने में याद रास्ते को देखकर उन्हें याद, उनकी ताकत अंदर से आ जाती है कि अब तो हम भाग जाएंगे, ये रास्ता हमारा पहचाना और हमारे घर की तरफ जाता है जिसको वो अपना घर कहते थे। और वो बंधन हाथ से छुड़वा करके इतनी ऊर्जा से भागते हैं कि झूले के घर तक जा करके ही दम लेते हैं। और अचानक दोबारा हीरा और मोती को देख करके झूरी बहुत प्रसन्न है, उसकी पत्नी बड़ी सजल आंखों से उनको दुलार करती है, जो गुस्सा थी अपने भाई के यहाँ कि वो काम नहीं किया उन्होंने, लेकिन आज उनको वापस देख करके बहुत खुश थी। वो गांव वाले बहुत प्रसन्न थे, ये जिसने नीलामी उन्हें खरीदा था वो आता है, कहता है कि ये तो मेरे बैल है। झूरी कहता है कि नहीं, मेरे दरवाजे पे खड़े मेरे और कहानी इस तरीके से यहाँ समाप्त हो जाती है। और इस कहानी के जरिए मतलब मुझे लगता है कि ये कहानी सबको पढ़नी चाहिए, बच्चों के लिए नहीं है बिल्कुल। जो संदेश प्रेमचंद देना चाहते हैं मैत्री का, घनिष्ठता का, इंसान और उस पशु, भले वो मवेशी या बोल नहीं सकता लेकिन उनकी तरफ से हम समझने का जो जिम्मेदारी है वो हमारे ऊपर है, देशभक्ति की तमाम सारी उसमें बातें हैं। मुझे बहुत लगता है बहुत ही ज्यादा मार्मिक कहानी है और बिल्कुल हृदय को छू लेने वाली, बिल्कुल मर्मस्पर्शी कहानी, मर्मस्पर्शी है। आप शचिंद्र जी आप यहाँ तक आए, आपने ये बहुत अच्छी कथा एक सुनाई, प्रेमचंद जी से एक बार पुनः साक्षात्कार कराया। हमें अपना सत्र यही समाप्त करना होगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका, श्रोताओं का भी और जो दर्शक विद्यार्थी थे वो उनका भी बहुत धन्यवाद, उन्होंने धैर्य से सुना और अगर उनके कोई प्रश्न हो तो वो आगे भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल जरूर, आप क्लास 9 की ईमेल आईडी का प्रयोग कीजिएगा और अपने प्रश्न भेजिएगा। आप यहाँ तक आए, आपके लिए बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। हमारा ये हिंदी का सत्र यहीं समाप्त होता है, आप कहीं मत जाइएगा, अगला सत्र लेकर थोड़ी देर में हाजिर होंगे। देखते रहिए PME विद्या चैनल्स। नमस्कार।